ओम शांति। आज हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी करुणा दीदी जी हैं। करुणा दीदी जी पुणे भोसरी सेवा केंद्र के कुशल संचालिका हैं। आप ईश्वरीय ज्ञान में पिछले 35 वर्ष से चल रहे हैं और अपने समर्पित सेवाएं पिछले 30 वर्ष से दे रहे हैं। तो रूहानी पालना इस विषय पर आज करुणा दीदी जी हम सभी से बात करें। हम सब सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कई बार रूहानी पालना ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके हिसाब से रूहानी पालना आप किसे कहेंगे दीदी? जीवन में गुण विशेषता के आधार से खुद भी चलना और औरों की विशेषताओं को, कलाओं को, गुणों को महत्व देते हुए उनके साथ व्यवहार में आना, यही रूहानी पालना है। और इसी रूहानी पालना से हमारी स्वयं की भी उन्नति होती और औरों को भी उम्र हिस्सा दिलाकर दूसरों को भी हम चला सकेंगे, यही रूहानी पालना है। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आज के जीवन में सभी को अपनापन चाहिए, सच्चा स्नेह चाहिए, निस्वार्थ प्यार चाहिए, तो वो देना ही रूहानी पालना है। जी जी, आपने अच्छी तरह से स्पष्ट किए। दीदी आपके पास जैसे बहुत सारे निमित्त बहने हैं सेवा के लिए और हर एक सेंटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी भोसरी सेवा केंद्र में भी हैं, तो स्टूडेंट्स और टीचर को किस किस प्रकार से आप पालना देते हैं उसका अगर आप मार्गदर्शन करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमारी दूसरी बहनें भी उससे प्रेरणा ले सकें। इस अलौकिक आध्यात्मिक जीवन में हम सभी का लक्ष्य है। लौकिक जीवन में भी हम सभी ने भक्ति मार्ग में गीता पढ़ी है और गीता का सार ही नष्ट मोह स्मृति लगता है। और हम सभी ने जीवन में देखा है कि मोह के कारण ही सबसे ज़्यादा आज का मनुष्य दुखी है, और दुख से छुटने के लिए हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। सच्चा सुख, अलौकिक आनंद प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि संगठन में सभी का लक्ष्य पक्का हो कि हम किस लक्ष्य से इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम सभी का लक्ष्य यही है कि नष्ट मोह स्मृति लंदन लंदन, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि साथी बहने, सेवाधारी बहने और सभी स्टूडेंट अपने जीवन में यह लक्ष्य रखें। उस उद्देश्य से ही मैं चाहती हूँ कि मैं खुद भी वो सारे लक्षण अपने में लाऊं और साथ में भाई बहने और बहनें भी जो सेवा के साथी हैं वो भी उसी लक्ष्य के आधार से पुरुषार्थ करें। तो वही लक्ष्य रख के हम अलग अलग हड्डियाँ सेवा के कार्यक्रम बनाते हैं और उसमें मैं सोचती हूँ कि हर बात में कोई ना कोई नवीनता हो, क्योंकि नवीनता आत्मा को पसंद है। तो इस हिसाब से नवीनता लाते हुए हम चलते और चलाते हैं। बहुत सुंदर। इसमें जैसे अब पिछले 35 साल ईश्वरीय ज्ञान में चलते हुए आपने भी कई यज्ञ के जो सीनियर्स हैं उनसे या आपकी बड़ी बहनों से या और किसी से पालना लिए हैं, तो वो अगर आप ये बताना चाहेंगे कि उन्हों की पालना की विधि क्या रही और विशेष कोई एक दो ऐसी विशेष आत्मा जिनसे आप बहुत सारे प्रेरणाएं प्राप्त किए हैं उन्हों का नाम अगर आप उल्लेख करना चाहेंगे और उनकी पालना की विधि जो आपने अनुभव की। शुरू में जब मैंने इस ईश्वरीय ज्ञान को अपनाया तो मुझे घर से ज़्यादा सहयोग नहीं था कुमारी जीवन में। आप सभी को पता है कि लौकिक में कन्या बड़ी हो जाती है तो सबका लक्ष्य अलग ही रहता है, लेकिन मुझे ऐसे ज्ञान के रत्न मिले थे जिस आधार से मैं चाहती थी कि मैं इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलूँ। तो मुझे दूर दूर का सेंटर पर जाने को मिलता ही नहीं था। हमारे नज़दीक ही एक गीता पाठशाला थी चतुर्शृंगी में पद्मा बन चुकी और वहाँ मैं जाती थी। मुझे सबसे ज़्यादा करीब 8वीं से लेकर
कॉलेज की लाइफ में उनका भी जीवन देखने को मिला और उन्होंने मेरी बहुत अच्छी पालना की। क्लास में मैं ही कन्या थी, इकलौती, इसलिए मेरे ऊपर बहुत ध्यान था और सभी का मुझे बहुत बहुत प्यार मिला। पद्मावती जी मुझे कभी भी क्लास में पीछे नहीं बैठने देते थे, कहते थे तू कन्या है तो आगे बैठेगी। तो मैं बिल्कुल शाम को कॉलेज से आती थी, सेवा भी करती थी उनके साथ और फिर क्लास में पहले बैठती थी प्रथम। और इसीलिए मुझे एक फायदा हुआ कि मेरा व्यर्थ कभी नहीं चला मुरली सुनते समय, इधर उधर देखने के संस्कार नहीं रहे, बस सामने टीचर है और मुरली सुननी है। तो इस प्रकार से मुझे बहुत अच्छी पालना उन्होंने दी। मैं कॉलेज से आती थी तो वो मुझे पहले अच्छी तरह से टोली खिलाती थी, फिर कुछ सेवा बताकर सेवा कराती थी, फिर मुरली क्लास सुनकर मैं घर जाती थी। तो उनकी अलौकिक पालना मुझे मिली जब सबसे ज़्यादा, और फिर सेंटर में आने की हिम्मत मुझे सुंदरी बहन जी ने दी और दादी जी ने हिम्मत दी, जानकी दादी जी बीच बीच में आती थी। और दादी की पूना में पहली कन्या थी जैसे जयंती दीदी जी, तो दादी का एक तो पूना में सेवा करने के कारण बहुत दादी को नशा था, तो सुंदरी बहन जी ने और इंदिरा बहन जी ने मेरी पहचान करा के दी थी दादी को, ये दादी ये पूना की कन्या है। तो दादी फिर विशेष जब से मेरी पहचान हुई मेरा ध्यान रखती थी और जब भी मैं जाऊँ या मिलूँ तो मुझे बहुत दुआएं देती थी और हिम्मत बढ़ती थी और कहती थी हो जाएगी, मुक्त तो हो जाएगी, और ऐसे हो जाएगी कहने के बाद मैं सच में एक दिन सहज मुक्त होकर बाबा की सेवा में आ गई। बहुत अच्छा, देखिए आपको जिन्होंने रूहानी पालना दी है उसी के कारण हमें आप जैसे सीनियर अच्छी अनुभवी टीचर बहने मिली हैं, तो उनको तो बहुत सारे शुभकामनाएं। हम ये जानना चाहेंगे दीदी कि आपके जीवन में रूहानी पालना का कोई एक सबसे अनोखा अनुभव आप अगर हम सभी को सुनाना चाहेंगे, चाहे वो मधुबन में किसी से दादियों से प्राप्त हुआ हो या आपके जीवन को परिवर्तन करने के निमित्त एक कोई विशेष घटना अनुभव पालना के रूप से अगर आप शेयर करना चाहें। इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चलते मैं बाहर रहती थी, थोड़ा माया भी अच्छी लगती थी, थोड़ा यह इस तरफ भी अच्छा लगता था ईश्वरीय ज्ञान। तो जब निर्णय लेने की का समय था उस समय पद्मा बहन जी साथ में सुंदरी बहन जी और जानकी दादी जी, दादी जी ने तो मुझे कहा था तुझे कोई भी पर्सनल बात हो मेरे से आकर करना, तो मैं मन की कोई भी बात हो खुली दिल से दादी के पास जाके करती थी खुला, और दादी जी उसमें मुझे इतना हल्का करती थी जिस कारण मुझे इस ईश्वरीय ज्ञान में बस ये आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य रखकर चलना सहज हो गया। ये तो बड़ा मुश्किल था निर्णय लेना युवा अवस्था में ये करूँ या वो करूँ, तो उसमें मुझे दादी जी की और साथ में ज्ञान मुरली की भी बहुत मदद मिली। जैसे बाबा कहते हैं ना, ज्ञान से रॉन्ग क्या है राइट क्या है वो समझ में आता है, वो मुझे बड़ों की पालना से मुरली के द्वारा पालना मिली और मैंने निर्णय लिया कि आध्यात्मिक जीवन सर्वश्रेष्ठ है। बाबा के जो चार सब्जेक्ट्स हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, उसमें ज्ञान योग और सेवा ये तीन सब्जेक्ट में से आपके जीवन में समर्पित जीवन चुनने के लिए इन तीन में से सबसे ज़्यादा प्रेरणा कौन सी सब्जेक्ट से आपको मिली, ज्ञान योग और सेवा ये तीन में से? इसमें मुझे पद्मावती जी के द्वारा जो दिव्यता का अनुभव होता था उनके कर्मों के द्वारा, उनका हंसमुख चेहरा, प्रवृत्ति में रहते हुए भी जैसे निवृत्त अवस्था और साथ में स्नेह सहयोग और अलौकिक प्रेम, ये सब गुण जो देखे ना मैंने, तो वो ये जीवन मुझे अच्छी लगी, धारणा युक्त जीवन, सबके चेहरे खिले खिले खुशनुमा जीवन सबकी, तो ये धारणा युक्त जीवन ने ही मुझे आकर्षित किया और मुझे लगा मुझे भी ऐसे जीवन बनाना। कई बार जिन्हों से आप पालना लिए हैं तो जब उनके जीवन आप देखते हैं या अपने जीवन का पिछले दिनों को देखते हैं कि जब आप
ऐसे ही घर में रहते हुए कुमारी थे और उसके बाद इतना श्रेष्ठ अलौकिक दिव्य सेवा का जीवन प्राप्त हुआ तो जरूर आपके दिल से वाह वाह गीत निकलता होगा। तो बाबा और ब्रह्मा बाबा के अलावा किनों के लिए वाह वाह के गीत निकलता हो? सभी दादियों के लिए, क्योंकि अगर ये दादियाँ दादियों का जीवन हमारे सामने एग्जाम्पल उदाहरण नहीं होता तो हम कहाँ से होते। साथ में पद्मा बहन जी के लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करूँगी। सुंदरी बहन जी ने जिससे मुझे सारे बंधन होते हुए हिम्मत देकर सेंटर पर रहने का मौका दिया, इसलिए उनके लिए भी कृतज्ञता। साथ में वो इंदिरा बहन जी को मैं भूल नहीं सकती, हम उनको प्यार से मम्मी कहते थे। मुझे कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनके पास जाने से मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो जाते थे, तो उनके लिए भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करूँगी। सभी बड़ों के लिए जो भी थे, मुझे याद है सबसे ज़्यादा नारायण गाँव मुझे अति प्रिय था। बचपन में हमारी भट्टियाँ होती थी, वहाँ दर्शन भाई जी क्लास लेते थे और दर्शन भाई ने एक बात कही थी जो आज भी मेरी बुद्धि में बैठी है। उन्होंने कहा था बिल्ली को सातवें माले से भी नीचे फेंके तो चार पैरों पर खड़ी हो जाती है, वैसे ब्रह्मा कुमारी होनी चाहिए, इतने भी तूफान आए लेकिन उन्हें खड़ी। तो वो मुझे अच्छा लगा, उसके कारण मुझे एक शक्ति मिली और वो मुझे सदा याद रहता है कि ब्रह्मा कुमारी वो जो तूफानों में भी अच्छा लगा ढूंढ लिया। सबके लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। जी जी जी, बहुत सुंदर अनुभव। दीदी, रूहानी पालना देते समय जब कोई किसी को रूहानी पालना दे रहे हैं, जैसे आप, आपके सामने जिज्ञासु या छोटी बहनें कभी आपकी जो साथ हैं उनको पालना देते समय परखने की शक्ति का आवश्यकता किस प्रकार का रहता है? हमें कुछ बातों का ध्यान देते हुए रूहानी पालना देना जरूरी है या नहीं, इसके ऊपर अगर आप आपके विचार बोले। हाँ, परखने की शक्ति की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी भावना होती है और साथ में कोई भी कमी कमजोरी भी होती है और कला विशेषता गुण भी होते हैं। सबको ध्यान देते हुए सबको चलाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि इसकी कैपेसिटी नहीं होती है और हम उस पर ज़्यादा उसके लिए आश रखते हैं या उसके प्रति हमारी इच्छा होती है, भावना होती है कि उसे ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो बर्डन रहता है। तो वो अगर हमारे पास परख शक्ति नहीं होगी तो हम एक दूसरे के साथ सहयोगी बनकर नहीं चल सकते। इसीलिए ज्ञान योग और सेवा में परखने की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए इसे बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप, परखो और सबके साथ चलो। दीदी जी, आपने दादी जानकी जी और मधुबन में भी प्रकाशमणि दादी जी या दूसरे दादियां हैं, सीनियर बड़े भाई लोग भी हैं, उनसे भी पालना लिए होंगे, क्योंकि 35 साल आप ईश्वरीय समर्पित जीवन में 30 साल हो चुकी है। तो दादियों की पालना देने की विधि आपने क्या विशेष अनुभव किए, उसके अगर कुछ एक दो बातें उदाहरण बताएंगे? या मैंने ये देखा है कि प्रकाशमणि दादी जी हो, जानकी दादी जी हो, रतनबेन दादी, जिनके पास भी हम गए तो उनका पहले मुरली के प्रति बहुत प्यार देखा और जब भी हम उनके सामने जाते थे या अभी भी जाते थे तो पहले वो मुरली की बातों के आधार से प्यार से बात करते। आज बाबा ने ये कहा, बाबा बाबा बाबा, उनके मुख में सिर्फ बाबा ही है और यज्ञ, ब्राह्मण परिवार, सबके प्रति जो प्यार है वो देखते ऐसा लगता है कि उनकी पालना में आधार है ज्ञान और योग और उसी आधार से वो सबकी पालना करते हैं। उनकी दृष्टि भी देखे तो जैसे योग युक्त दृष्टि है उनकी, जैसे कि हम खो जाते हैं बाबा के प्यार में, तो ऐसे दृष्टि वृत्ति के द्वारा वो पालना करते आए। मुझे लगता है दादियों को देखकर हमें भी समय अनुसार यही सीखना चाहिए।
अभी एक क्वेश्चन हम ये रखेंगे आपके सामने कि हमारी जैसे सेंटर संभालने के निमित्त बहनें हैं, तो बहनें जब अपने स्टूडेंट्स को अटेंड करते हैं या पालना देते हैं, तो सेंटर की निमित्त बहनें जो हैं उनको कौन सी दो बातें या विशेष कौन सी बातें लक्ष्य विशेष अटेंशन रखना ज़रूरी है जब वो स्टूडेंट या और भी छोटी बहनें या कुमारियों को पालना दे रही हैं अपने अपने सेवा केंद्र पर, आप अगर अपने अनुभव से बताएंगे। एक समय था बाबा कहता था छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान दो, लेकिन अभी समय आया है कि छोटे हो या बड़े हो सबको सम्मान से दृष्टि से देखना, सम्मान से चलना इसकी बहुत आवश्यकता है। और साथ साथ हम सभी को भले ही कारोबार के हिसाब से बाबा ने निमित्त टीचर बनाया है, कारोबार के लिए टीचर का पद है, लेकिन हम सभी स्टूडेंट हैं, बाबा के बच्चे हैं। बाबा खुद कहता है कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तो हम भी ऐसे निमित्त नम्र निरंकारी सेवाधारी बनकर सेवा करें तो हमें सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्या ये दीदी डिफिकल्ट नहीं है छोटों को ऐसे करके, मतलब उम्र में बड़े होते हुए भी छोटों को ऐसे कई बार, क्योंकि नेचुरल ये होता है कि बड़े कहेंगे छोटे सुनेंगे, परंतु कई बार इस प्रकार से कैसे लगता है आपको? नहीं, हमने दादियों को देखा है, दादी जानकी जी कितना छोटे होकर भी जयंती दीदी का रिस्पेक्ट रखते हैं, हंसा बहन का रिस्पेक्ट रखते हैं, सभी बहुत सारी दादियों बड़ी दादियों को भी मैंने ऐसे देखा है कि छोटों को भी रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि आज फास्ट जनरेशन है, कई बार ऐसा होता है कि छोटों के पास हमारे से भी ज़्यादा बड़ों से भी ज़्यादा किसी न किसी बात की नॉलेज होती है, और हम जितना ज़्यादा खुद को बड़ा समझते जाएंगे ना वो उतना ही रिजर्व रहते हैं, समान और सम्मान से चलाते तो खुल जाते हैं और उनकी विशेषता कला गुण सेवा में लग जाती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई डिफिकल्ट बात है या आसान नहीं, आसान है। दीदी क्या आपने कभी कोई छोटों से पालना लेने का अनुभव किया? जैसे रूहानी पालना हम लोग अक्सर करके समझते हैं बड़े उनके छोटों को दें, बट क्या ये उल्टा भी हो सकता है कि कोई छोटा बड़ों को पालना दे? ऐसे कभी कुछ ध्यान में आ रहा है, कभी कुछ ऐसे पल या कुछ ऐसा मैंने हो सकता यज्ञ है? के लिए सुना, यज्ञ में सुना था कि बाबा देह अहंकार देह अभिमान मिटाने के लिए छोटों को बड़ा बनाते थे और उनकी पालना में बड़े रहते थे, लेकिन मुझे ऐसा कभी मौका ही नहीं आया कि कोई छोटों के साथ ना उनकी पालना में है, ऐसा मुझे बड़ों की पालना में रहने की बहुत इच्छा है, वही पूरी हो जाए तो अच्छा है, तो वो भी नहीं आया और सेवा में लग गए। कई हमारे भाई बहने हैं, बीकेज हैं, या इवन दुनिया में भी कई ये समझते हैं कि जैसे पालना देना ये महान संस्कार है, लेकिन पालना लेना ये थोड़ा सा लेवता जैसा है, मतलब लेने का बात आ जाता है, तो इसमें दीदी आप अपने विचार रखें, क्या लगता है आपको, आपका अपने थॉट्स क्या है? पालना लेंगे तो उसका रिटर्न भी तो देना पड़ेगा ना, ये भी हमारा सौभाग्य है यज्ञ से बड़ों से पालना मिलना, लेकिन साथ में हमें ये भी भान रखना चाहिए कि जितना हमें यज्ञ से पालना मिली है, बड़ों की पालना मिली है, तो हमारी जिम्मेवारी है उस पालना का रिटर्न दे बाबा को प्रतिष्ठा। दीदी यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके कोई मुख्य निजी गुण कौन सा है, एक कोई विशेषता या गुण बताइए, आपके प्रेफरेंस या चॉइस, ऐसे कोई एक गुण जो आप ऑलवेज अनुभव करते हैं वो आप शेयर कर हम सभी से। मुझ में दृढ़ता का गुण है और साथ में मैं निश्चय बुद्धि चाहिए, कुछ गुण चाहिए
बाबा के लिए, यज्ञ के लिए, बड़ों के लिए मेरा दृढ़ विश्वास और निश्चय है। जी, ये तो बहुत ही आवश्यक है इनफैक्ट, और इसीलिए हमारी बड़ी बहनों में ये दृढ़ता है, बड़ों के प्रति रिगार्ड है, इसीलिए निर्विघ्न रूप से इतने पेपर के बावजूद भी यज्ञ आज बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा दीदी जी, ये बताएं कि जैसे सोचिए आप सोए हुए हैं और सपना में दादी प्रकाशमणि जी आती हैं आपके पास, और दादी जी पूछती हैं आपके नाम से, आपको पुकार के पूछती हैं कि बताओ आपको मुझसे यानी दादी जी से या यज्ञ से कौन सी पालना की आवश्यकता है, एक कोई वरदान मांगो पालना की, तो आप दादी से क्या मांगेंगे? रह रह कर मुझे ये संकल्प आता है कि बड़ों के अंग संग रहने का इतना मौका नहीं मिला, दादी जी प्लीज प्लीज हमें ये मौका दे, हमें कम से कम अगले कल्प में अपने साथ रखे। ओके, शायद ये भी आज आपको इसी जन्म में बाबा पूर्ण कर देंगे, क्योंकि बाबा तो हम सभी के आज पूरा करते हैं। एक थोड़ा सा दूसरा रूहानी पालना से हट के प्रश्न है, पुरुषार्थ से रिलेटेड। अभी के समय अनुसार इस समय पुरुषार्थ की कौन सी एक मुख्य बात आप हमारी टीचर बहनों के लिए बताना चाहेंगे, विशेष विशेष टीचर्स के? टीचर मना हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान सेवा पर रहता है, लेकिन स्वस्थिति संभाल कर सेवा करना आवश्यक है आज के समय पर। जितनी हमारी स्वस्थिति ऊंच होगी, वैसे बाबा ने बताया ही है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, तो समय अनुसार हम जितना स्व पर ध्यान देंगे उतना सभी की स्थिति भी ऊंच होती जाएगी। तो स्व उन्नति पर विशेष हमारी बहनें भी विशेष अटेंशन दे। उसी संदर्भ में विशेष स्टूडेंट यानी घर में रहने वाले, कामकाज करने वाले या जो भी माताएं हैं, भाई हैं, बहनें हैं, युगलें हैं, उनके लिए विशेष पुरुषार्थ का कौन सा आप संदेश देना चाहेंगे? वैसे जो बहनें बहनों के लिए तो सेंटर पर जो भी रहते, मतलब भाई बहन जो समर्पित है मधुबन में सेंटर पर, उनकी तो ड्यूटी जिम्मेवारी फिक्स रहती है, लेकिन प्रवृत्ति में रहने वाले लोगों को, बाहर रहने वाले कुमार कन्या जो भी है, उनकी डबल जिम्मेवारी है। उनको कल परसों ही बाबा ने कहा लौकिक और अलौकिक तोड़ निभाना है, तो उस हिसाब से उनकी जिम्मेवारी बहुत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो बाबा ने ये हिम्मत दी है हम सभी को सबसे तोड़ निभाना है, तो हमारी सर्व संबंध बाबा के साथ हो, सर्व संबंध की अनुभूति हो, तो बाबा से गहरा नाता होगा और सबके बीच में रहते हुए भी ऊपर आप स्थिति को सहज प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए, तो ही हम सहज सबके बीच रहते हुए भी सबसे प्यारे और सबके प्यारे बने। बहुत अच्छा। अब लास्ट एक चीज जानना चाहेंगे योग से संबंधित। जैसे हम कई बार योग में बाप दादा से बातचीत करते हैं, तो रूहानी पालना उससे भी ऊपर आगे बढ़ के परमात्म पालना है, लेकिन हमारे लिए बाप दादा दोनों ओतप्रोत हैं, साथ साथ हैं, सदा पालना दे रहे हैं। तो आप अपने पुरुषार्थ में शिव बाबा से अलग बात करते हैं, ब्रह्मा बाबा से अलग बात करते हैं, या दोनों को साथ में रहते हुए बात करते हैं, या कुछ एक बातें हैं जो आप कभी चिट चैट ब्रह्मा बाबा से करते हैं, आपका ये पुरुषार्थ क्या है या आप किस तरीके से करते हैं वो थोड़ा बताएं। मुझे अव्यक्त वतन में अव्यक्त स्वरूप में बाप दादा से बातें करना बहुत पसंद है, और साथ में परमधाम की जो बीज रूप स्थिति है उस स्थिति में स्थित होकर शक्तिशाली स्थिति का मना, जैसे बाबा कहते ना तुम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, तो उस अपना सर्वगुण और शक्तियों से भरपूर स्टेज का अनुभव करना पसंद है मुझे। दोनों जब जैसा समय होगा उस अनुसार मुझे अनुभव करना अच्छा लगता है, जैसे अमृत वेला सवेरे सवेरे अव्यक्त बाप दादा के पास जाकर
मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि मैं कुछ योग में संकल्प कर रही हूँ। प्रैक्टिकल में ऐसा लगता है कि बाबा के साथ हूँ, और मैं अनुभव करती हूँ कि बाबा वतन में क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, कैसे सबको मिल रहे हैं, वो तो सब मैं निरीक्षण करूँ, और मैं वो करना मुझे बहुत पसंद है। और उसके कारण मुझे कभी ऐसा लगता है नहीं कि मैं बाबा से दूर हूँ, और ऐसा कभी लगा नहीं कि मैंने साकार में बाबा से पालना नहीं ली। अभी भी बाबा मेरे साथ हैं और मेरी साकार में ही पालना कर रहे हैं, ऐसा मुझे अनंत मिलन से अनुभव है। थैंक यू दीदी, आपके रूहानी पालना से संबंधित बातों को आपने शेयर किए, अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर किए। हम सभी ब्रह्मावत्सों को आप सभी के ये श्रेष्ठ अनुभव बहुत काम में आएगा, क्योंकि हम लोग कई बड़ों से पालना कम ले पाए हैं, बट ये भरपूर करता जाएगा। इसीलिए आपको दीदी आपने समय दिया, इसीलिए बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।